मॉर्निंग, मेरा नाम मोहित त्यागी है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और हम ये जो आज बात करने वाले हैं प्रोडक्ट सीरीज के अंदर, आज बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है वेट लॉस। कहीं ना कहीं हम अपने चारों ओर देखते हो कि जिसका भी जैसा भी पेट निकला हुआ है, टमी निकली हुई है, कहीं ना कहीं लोग ओवरवेट है, तो एक बहुत बड़ी मार्केट है आपके लिए। मैं दोबारा बार बार वही चीज क्रिएट करता हूँ कि हम किस बिजनेस के अंदर हैं, हम लोगों के बिजनेस के अंदर हैं और एक शानदार प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है जिसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करके मैक्सिमम अपनी टीम को टीम को ग्रो कर सकते हैं, टीम को बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम बिजनेस यहाँ से कर सकते हैं। आज जिस तरह के प्रोडक्ट की आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंपल आप आज ये बात मान के चलिएगा कि आज हम वेट लॉस पे बात कर रहे हैं, वेट लॉस को करने के लिए कोई एक थ्योरी नहीं है, कोई एक फिक्स पैटर्न फार्मूला नहीं है। जितने लोग भी यहाँ पर अवेलेबल है कहीं ना कहीं वो भी एक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में रखते हैं। आज जिसका भी वेट ज्यादा है, हर आदमी इतनी नॉलेज रखता है कि वो उसके ऊपर पूरी बुक भी लिख सकता है। तो ये बात आप भी जानते हैं कि वेट कैसे कम करना, खाना छोड़ दो वेट कम हो जाएगा, ये सबको पता हो भी जाता है, लेकिन अब क्या उसके रीजन है, किस तरीके से करना है, आज मैं थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन जो कंपनी के थ्रू हम लोगों को मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऑफिशियल पीपीटी के थ्रू, और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जो वेस्टीज के आज प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं उनके थ्रू हम किस तरीके से इफेक्टिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वेलकम है आप सभी का वेट लॉस प्रोग्राम के अंदर। मेरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। यस जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा सेशन बड़ा शानदार सेशन होने वाला है फिटनेस एंड डाइट के ऊपर। अब यहां दो चीजें रखी गई हैं, देखिए नाम क्या दिया गया है, फिटनेस एंड डाइट। दैट मींस कि डाइटिंग करनी नहीं है, पहला ही यहां से आपको अपने आप ही यहां से एक कंट्रोल आपको दे दिया गया कि डाइटिंग, क्योंकि नॉर्मली जब भी हमें वेट कम करना होता है सिंपल सा तरीका है खाना छोड़ दो, यानी डाइटिंग स्टार्ट कर दो। तो मैं एक बात कहता हूं कि लगातार, ये बात आप भी जानते हैं कि छोड़ना वो चाहिए जो आप लगातार छोड़ सकते हो। अगर रोटी छोड़ना, आपने चपाती छोड़ दी रेगुलर, अगर रेगुलर छोड़ सकते हो तो उसको छोड़ना, वरना उसके बाद क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। तो आज वही सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं, बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, काफी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मैंने मतलब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। जहां जहां पर जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, पेन और डायरी अपने साथ रख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट डाउन करनी होंगी जो आपकी काउंसलिंग में, जब आप लोग आपसे पूछने के लिए आएंगे, जब आप इन प्रोडक्ट्स को आगे जाकर शेयर करोगे, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी वाइटल है। तो पेन और डायरी अपने साथ रख लीजिए, जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा प्लीज उनको नोट डाउन भी करते जाइए कि हम किस तरीके से सारे सेशन को करने वाले हैं, किस तरीके से हमें इस सीरीज के बारे में लोगों को बताना है और कैसे इस चीज को क्लेम नहीं करना है और क्या क्लेम करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां वेट लॉस देखा तो उसके बाद आस्क मी हाउ टू लूज वेट, इस तरह के टैग लगे हुए लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग यही बात कहते हैं, आस्क मी हाउ टू लूज वेट, मुझसे पूछो वेट कैसे कम करना है। तो ठीक है, हर आदमी को पता है कैसे कम करना है, तो आज हम एक उसकी एक साइंटिफिक अप्रोच देखेंगे कि आज वेस्टीज की जो एक पूरी प्रोडक्ट रेंज है वो किस तरीके से काम करती है वेट लॉस के ऊपर, और किन लोगों का वेट लॉस होता है और किन लोगों का वेट लॉस नहीं होता, ऐसा भी है क्योंकि हम बड़े कॉन्फिडेंट होकर इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ कमियां रह जाती हैं, तो जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते। तो आज मैं वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, ये सारे मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं भी आपकी तरह डिस्ट्रीब्यूटर हूं और लगातार हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ आते हैं, टीम के थ्रू आते हैं, आपके फीडबैक्स मेरे को मिलते हैं, टीम के फीडबैक मेरे को मिलते हैं, तो जहां से हम एक कॉमन शेयरिंग, आज का जो सेशन है मतलब एग्जैक्टली क्या है, शेयरिंग है कि जो चीजें हमने आपस में सुनी मैंने उन चीजों को एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो बहुत सारी बातें ऐसी होने वाली है कि जो नॉर्मली आप सुनते हो, तो आज उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। वेलकम। अब सबसे पहली बात तो आ गया ये, बिल्कुल जो सामने आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ओबेसिटी, ओवरवेट, ये एक ऐसी कंडीशन है बॉडी की जब एक्सेसिव एबनॉर्मल तरीके से फैट चर्बी हमारी बॉडी के ऊपर जमना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके सबसे बड़े रिस्क क्या होते हैं, सबसे बड़े रिस्क यही होते हैं, जो मोटा होता है वो अच्छी तरीके से जानता है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या, जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज, उनके होने के लिए एक सॉफ्ट टारगेट आप बन जाते हो। सबसे मेन बात तो आपकी बोन्स के ऊपर एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ता है, पूरा प्रेशर वहां पे क्रिएट होने लगता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बहुत सारे रीजन है, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि मोटा होने के बाद क्या होता है। अब जो फैक्ट है, इन फैक्ट्स को जरा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर
कि 1975 से 1975 से 2016 के बीच में एकदम मोटे लोग लगातार, मतलब मोटापा 3 गुना स्पीड से बढ़ा है इस फेज के अंदर, यानी 75 में जो रेशो थी और 2016 में जो रेशो है लगातार 3 गुना बढ़ा है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हमारे चारों ओर हम देखते हैं कि लोग अनफिट हैं, तो उस अनफिटनेस का एक यहाँ पे क्या दिया हुआ, डेटा दिया हुआ है। और 2016 में 2016 में 1.99 बिलियन ऐसे एडल्ट्स हैं जो ओवरवेट हैं, और करीब 650 मिलियन ऐसे लोग हैं जो ऑब्सेस हैं, जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और आज के टाइम में एक मेन समस्या ये बच्चों के अंदर भी होती जा रही है कि 5 साल तक के भी करीब 41 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो ओवरवेट हैं। ये 2016 का डेटा है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसका स्क्रीनशॉट सारे लोग ले लीजिए। और वर्ल्ड में किस तरीके से ये चीजें फैलती जा रही है, और ये कई सारी प्रॉब्लम की जड़ है। हर कोई आदमी अपने आप को फिट रखना चाहता है, कोई नहीं चाहता मोटा होना, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। तो आज हम उसके सारे सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, मैं बार बार वही कहता हूं कि जब भी हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, ये आपके लिए भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि सबसे पहले प्रॉब्लम के ऊपर बात करोगे, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम का ही आपको नहीं पता होगा सॉल्यूशन किस चीज का दोगे। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं, इनको आपको याद रखना है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और इसके बाद एक गुड न्यूज है कि जो ओबेसिटी है ये क्या है, प्रिवेंटेबल है। जैसे हार्ट के लिए मैंने आपको बताया था 80% ऑफ द हार्ट डिजीज आर प्रिवेंटेबल, इन द सेम केस ओबेसिटी भी प्रिवेंटेबल है। अब किस तरीके से प्रिवेंटेबल है, क्या क्या उसके लिए मेजर्स लेने हैं, किस तरीके से होगा, लेट्स सी दैट। अब फैक्टर अफेक्टिंग यानी कि जो आपकी फिटनेस है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। कभी भी मोटापा, कभी भी ओबेसिटी एक पर्टिकुलर रीजन के कारण नहीं होती, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको आपकी फिटनेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आगे डाइट, उसके बाद एक्सरसाइजेज यानी किस तरह की खुराक हम लोग ले रहे हैं, किस तरह की डाइट हम लोग ले रहे हैं, उसके अंदर किस तरह की कैलोरीज है, उन सबके बारे में आज मैं बिल्कुल डिटेल में बात करने वाला हूँ। एक्सरसाइजेज हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए या अनफिट रखने के लिए क्या करते हैं, अनफिट रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये बात आपको पता है कि सुबह शाम खाना, फ्राइड खाना, ये सब क्या हो रहा है, अनफिट रखने के लिए हो रहा है। जानते सब हैं कि ऐसा खाने से ऐसा हो जाएगा। आज इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, सब जानते हैं इसके बारे में कि क्या क्या इसके इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम वेस्टीज के थ्रू, वेस्टीज की निगाह से जो हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट रेंज है उसके थ्रू देखेंगे कि इनको काउंटर कैसे किया जा सकता है, इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी, कुछ लोगों की कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसके कारण वो फिजिकल वर्क नहीं कर सकते, उससे भी उनका मोटापा बढ़ जाता है, इलनेस आ जाए, फिर फटीग लगातार, अगर कोई इस तरह की बीमारी से आप ग्रस्त हैं, आप मेहनत नहीं कर सकते तो भी आपको मोटापा आ जाएगा। कई बार दवाइयों का साइड इफेक्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोगों ने इस बात को महसूस किया कि कई बार आप किसी और प्रॉब्लम के लिए दवाई खाते हो, उसके साइड इफेक्ट के तौर पर आपका वजन बढ़ने लगता है। उसके बाद स्ट्रेस एक दोबारा एक इंपॉर्टेंट रीजन है, और एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल। तो ये कुछ मेजर रीजंस है कि जो आपकी फिटनेस को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण आपको लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट इस वेट मैनेजमेंट की क्या है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो है वो वेट मैनेजमेंट का मतलब कि अगर आप अपनी एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आइडल वेट होना चाहिए। अब आइडल वेट कितना, ये भी आपको इस बात का अंदाजा होगा कि कितना होना चाहिए, कि जितना हमारा वेट है, जितनी हमारी हाइट है, हम एक अप्रोक्सीमेटली एक रेंज ले लेते हैं, एक अप्रोक्सीमेटली रेंज ले लेते हैं कि भाई जितनी हमारी हाइट है उसके अंदर 10, उसके बाद इसमें 10 केजी प्लस करके हम कर सकते हैं 5-8। अगर मेरी हाइट है 5'8" मेरी हाइट है, उसमें अगर मैं 10 ऐड करूंगा तो फिर वो 68 और 70 के बीच में आ जाएगा। तो ये मेरा आइडल वेट है, इस तरीके से अंदाजा लगा लिया जाता है। और कई सारे चार्ट आपको मिल जाएंगे कि हाइट और वेट की रेशो, हाइट और वेट की रेशो के रिगार्डिंग कई सारे चार्ट आपको तो अपने स्क्रीन के ऊपर, गूगल के ऊपर आप देख सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक अंदाजा है, मैं सिंपल अंदाजा सिर्फ यही लगाता हूं कि अगर मेरी हाइट 5'8" है, 5'8" है, तो इसमें मैं अगर 10 ऐड कर दूंगा तो एक सिंपल अंदाजा लग गया कि 70 के आसपास मेरा वेट, आइडल वेट होना चाहिए। अगर किसी की हाइट 6 फुट है तो उसमें भी आप उसके बाद 10 ऐड करके इस तरीके से अंदाजा आप लगा सकते हो कि 70-75 के बीच में उसका वेट होना चाहिए, ये अंदाजा है। इसी तरीके से बहुत सारे चार्ट भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम वेट हमारा बढ़ता चला जाता है, बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज हमारे, सबसे इंपॉर्टेंट तो हो गया शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, उसके बाद टाइप 2 जो प्रॉब्लम होती है, डिजीज जो डायबिटीज के अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस,
हड्डियों के ऊपर आपका वेट आने लगता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, तो बहुत सारी चीजें आपको लगातार आती हैं। और आप बहुत सारे लोग, कितने सारे लोग इस बात के ऊपर मेहनत करते हो, सोचते हो कि कल से मैं पार्क घूमने जाऊंगा, कल से मैं ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, ये हफ्ते में छोड़ दूंगा, लेकिन वो दिन कभी आता नहीं है। तो इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आपकी विल कितनी है उस काम को करने के लिए, जहां से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो अब जब ये रेंज हम यहां से स्टार्ट करेंगे, वी स्लिम रेंज ऑलरेडी वेस्टीज ने लॉन्च की हुई है, उससे पहले कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि वेट लॉस से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि वेट हमारा बढ़ता क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब इस रेंज की मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं 10 मिनट आपसे इसी बारे में बात करना चाह रहा हूं कि वेट हमारा बढ़ता क्यों है। देखो, एक सिंपल बात समझ रहे हैं, बड़े सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूं कि एक हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, जो अपने आप मेटाबॉलिकली अपने आप चलता है। बॉडी को आप नहीं चलाते, ऊपर वाले ने, भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने हमारी बॉडी को एक मैकेनिज्म दिया है कि जो भी हमने खाया वो अपने आप जाके अपने पेट में जाके उसका डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद कहां कहां पर वो जाना, वो सारा सिस्टम अपने आप चलता है, वो उसने आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि ये ह्यूमन नेचर की तरह है, ये ह्यूमन नेचर की तरह की जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है किस तरीके से काम करता है। जरा इस बात को बड़ी बड़ी गौर से समझना कि आप खाना खाते हो और खाना खाने के बाद जो खाना आपके पेट में गया वो डाइजेस्ट होने स्टार्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद उसका क्या होता है, या तो वो फैट में स्टोर होता है या वो आपके ऊर्जा में परिवर्तित होता है, एनर्जी में जाता है। अब दो चीजें हो गई, खाना आपके पेट में डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसका क्या होना है। अब इस बात को तय कौन करता है कि वो खाना जो आपने खाया, जो भी फूड आपने लिया, वो फैट के अंदर कन्वर्ट होगा या ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, वो जाके आपकी आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये डिसीजन आपका मेटाबॉलिज्म लेता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हर आदमी का, हर एक ह्यूमन बीइंग का मेटाबॉलिज्म एक जैसा नहीं है। तो आज मैं इसी मेटाबॉलिज्म के ऊपर आपको बताना चाह रहा हूं कि वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू आपने खाना खाया, कोई भी चीज आपने खाई, वो किस तरीके से डाइजेस्ट होगी और वो किस जगह पर जाएगी, वो फैट में कन्वर्ट होगी या वो जाके आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो आपके काम करने के तरीके पर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर और आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग आपने इस बात को कहते हुए सुने होंगे कि हम तो हवा भी खाते हैं वो भी हमारे शरीर को लगती है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि हम तो अगर हवा भी ले लेना सही ढंग से तो भी हमारे शरीर को लग जाता है, यानी कि हमारा वजन बढ़ जाता है। अब यहां पर इस बात में प्रेजेंट होना जरूरी है कि उनका वजन क्यों बढ़ जाता है। यहां से हम एक बात में आते हैं कि कहीं ना कहीं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है उनको हवा भी लगती है, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी उन्होंने खाया वो डाइजेशन होने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता या बहुत कम कन्वर्ट होता, ज्यादा पोर्शन उसका फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस बात को समझ पाए कि मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। दूसरा, कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि बिल्कुल एकदम पतले से हैं, बिल्कुल खाना बहुत ज्यादा खाते हैं और दो घंटा खाने के बाद फिर दोबारा भूख लगाती है, ये क्या है। इट्स अगेन एग्जाम्पल ऑफ द मेटाबॉलिज्म कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, जो भी खाते हैं वो फटाफट उनका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता, वो उनका वेट कभी भी नहीं बढ़ता। तो ये गॉड गिवन है, ये लगातार हमारे शरीर के ऊपर, हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि वो फैट में कितना कन्वर्ट करता है और वो आके एनर्जी में कितना कन्वर्ट करता है, और इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये स्लो या फास्ट होता है। अब इसको हम अपने खाने से, डाइट से, एनवायरमेंट से चेंज कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं कि जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है उसको हम कुछ हद तक फास्ट भी कर सकते हैं। आज जो ये पूरी रेंज की बात जो मैं आपसे करने वाली हूँ, सारी मेटाबॉलिज्म पे बात होने वाली है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने सबसे पहले रखा, इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। हर किसी को इस बात के अंदर प्रेजेंट होना कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही ये सारी चीजें हो रही हैं। और एक वो एक सिंपल सा फार्मूला लिख लो सारे लोग कि अगर एक सिंपल सा फार्मूला, ये कोई हिट एंड ट्राई फार्मूला नहीं है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, इसलिए मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि वेट लॉस करने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक पेटेंट तरीका नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है, इसलिए किसी को भी सही और गलत नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी डाइट्स हैं, जीएम मोटर डाइट्स है, कोई स्पेशल डाइट्स हैं, कोई कीटोन डाइट्स हैं, कितनी सारी डाइट है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये वेट लॉस की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वेट लॉस की, इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो हर किसी के अपने अपनी थ्योरी है, लॉजिक है, सब कुछ है। तो आज जो हम थ्योरी समझने वाले हैं
जो सारे लॉजिक समझने वाले हैं और वेस्टिज के थ्रू समझने वाले हैं, आज हमारे पास कौन से प्रोडक्ट है, वो किस तरीके से काम करेंगे ज्यादा, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ज्यादा बढ़ाएंगे, किस तरीके से अपने लोगों को हम ज्यादा बेनिफिट देंगे अपनी प्रोडक्ट रेंज के थ्रू, ये मेरा मोटिव है। इसलिए कहीं भी कोई कंट्राडिक्शन इसके अंदर नहीं है। कोई अगर इसके अलावा कुछ और भी जानता है, दैट इज मोस्ट वेलकम। ऐसा भी होता है और उनके तरीके से भी वजन कम हो सकता है, तो इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हमेशा इसी के थ्रू होगा, लेकिन हम जिस बिजनेस में हैं आज हम उसी के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल फार्मूला आप लिख लीजिए, जितना भी आपका वेट है उसको 29 से मल्टीप्लाई करना है। एक फार्मूला लिख लीजिए, जितना भी आपका बॉडी वेट है इन किलोग्राम, बॉडी वेट इन किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 29, जो भी आया वो आपकी कैलोरीज का इंटेक है। अब कैलोरीज क्या होती हैं? कैलोरीज एक जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट है कैलोरीज। और कैलोरीज किस तरीके से हम लोगों को मिलते हैं? प्रोटीन से हमें मिलती है, फैट से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है एनर्जी। यानी कैलोरीज एक यूनिट है एनर्जी की। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी को अप्रोक्सीमेट कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, इस बात का पता लगाना है आपको। तो अपने बॉडी वेट से 29 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप अपनी बॉडी वेट को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा वो रिक्वायर्ड कैलोरीज है, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी कैलोरीज का इंटेक कैसे है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी वेट ज्यादा होगा कैलोरीज का इंटेक अपने आप बढ़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं यहां पर लूं, अगर 80 केजी आपका वेट है, 80 केजी को आप अगर 29 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 2320, यानी 2320। यानी 2320 अगर मेरा बॉडी वेट 80 केजी है, 80 केजी को मैंने 29 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 2320। तो अप्रोक्सीमेटली 2320 मेरी कैलोरीज हैं, मेरी रिक्वायरमेंट है डेली की, पर डे की। अब मुझे अपने वेट को 75 केजी करना है, तो 75 केजी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 75 को मैं 29 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद जितनी कैलोरीज आएंगी मुझे, मेरा वो टारगेट बन गया। बड़ा सिंपल फॉर्मूला आपको दे रहा हूं कि 75 वेट मेरे को करना है, 80 मेरा वेट है, इसको मैं 29 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 2175 कैलोरीज मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे 70 केजी अपना वेट करना है तो मेरे को करीब 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। मतलब 70 केजी मुझे वेट करना है, 80 किलो मेरा वजन है, तो जब मेरे को 70 किलो वजन का मेरा टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे कितनी कैलोरीज चाहिए? वो कैलोरीज मेरे को चाहिए 2030, यानी कि 2030। और जब मेरा वेट 80 केजी था तो जब मेरी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कितनी थी? वो थी 2320, 2320। ये दो नंबर को समझ लो। इसी तरीके से किसी का जितना भी वजन है उससे 29 को आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि ये आदमी इस टाइम इसकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चलने के लिए, बॉडी को जीने के लिए कितने कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। और लेकिन जब हम खाते हैं पूरा दिन तो ये कैलोरीज कहीं ना कहीं हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक फिट रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम लोग जब कंज्यूम करते हैं, मीठा खाने लगते हैं, नॉनवेज खाने लगते हैं, बहुत सारी चीजें खाने लगते हैं, ये कैलोरी का इंटेक हमारा 80 केजी वेट के ऊपर 3000 कैलोरीज तक चला जाता है। यानी रिक्वायरमेंट 2300 की थी और हम कहां चले गए इसको 3000 के ऊपर, 4000 के आसपास, 4000 कैलोरीज लोग ले रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा या वेट हमारा बढ़ रहा है। तो आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूं कि सिंपल फार्मूले से आपको एक अंदाजा लग गया कि किस बॉडी वेट के ऊपर कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, और यहां से आप एक अपना टारगेट चूज कर सकते हो कि आपको कितना टारगेट आपका है, और उस टारगेट के हिसाब से आप अपना वेट लॉस के अंदर लोगों को गाइड कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। एक दूसरी चीज और नोट कर लो कि अगर 500 कैलोरीज अगर हम पर डे की बर्न करते हैं और सातों दिन करते हैं, यानी कि अगर हमने अपना टारगेट चूज किया 2300 कैलोरीज हमारी रोज की हम जो इनटेक कर रहे हैं, उसमें से मैं अगर 500 कैलोरीज बर्न करता हूं, 500 कैलोरीज को यहां पर बर्न करता हूं, वो कैसे? या तो मैं कैलोरीज कम लेता हूं, या दूसरे मैं एक्सरसाइजेस करता हूं, कुछ इस तरह के वर्कआउट करता हूं कि मेरी 500 कैलोरीज रोज बर्न हो रही है। अगर 500 कैलोरीज आपने सातों दिन तक बर्न की है, जब जाकर एक हफ्ते के बाद आपका वेट आधा किलो से एक किलो वजन आपका आइडियली कम होगा एक वीक के अंदर। इस फॉर्मूले को भी लिख लो, 500 कैलोरीज
डेली अगर आप बर्न करते हो, इफ यू बर्न 500 कैलोरीज पर डे और एक हफ्ते के अंदर आपका वेट जो कम होगा वो करीब आधा किलो से एक किलो के बीच में आपका वजन कम होगा। ये अप्रोक्सीमेट अंदाजे हैं। और फिर लास्ट में जो करता है मैटर, वो बॉडी टू बॉडी करता है। तो मैं यहां से इस बात को समझ सकता हूँ, इस बात को मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको अपनी बॉडी का वेट कम करना है तो आपको लगातार कैलोरीज बर्न करनी होगी, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप अपनी डाइट को इस तरीके से प्लान करोगे कि कैलोरीज बॉडी में कम जाए, इनटेक कम जाए, दो। और तीसरा कि आप जिस तरह की चीजें आप लोगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए, यानी कि वेट लॉस करने के सिंपल आज हम बात कर रहे हैं तीन तरीके। पहला तरीका, कैलोरीज को आपको बर्न करना है। वो कैसे बर्न होगी? एक्सरसाइज से। यानी सबसे पहला मूल मंत्र यही है कि जिसको भी आप वेट लॉस सीरीज के बारे में आप बताओगे तो सबसे पहले क्या कहोगे कि आपको एटलीस्ट 30 से 45 मिनट्स आपको वॉकिंग तो करनी ही करनी है। हम उस तरह की चीजें प्रमोट नहीं करते कि आप बेड में लेटे रहो, बेल्ट अपने पेट पे बांध रहे हो, पॉपकॉर्न खाते रहो, वजन आपका अपने आप कम हो रहा है मैजिकली। दैट्स नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इस वेट सीरीज के लिए कि जिसको भी आप इसके लिए सजेस्ट कर रहे हो, जिसको भी आप इसके बारे में बता रहे हो, तो पहला कमिटमेंट आप उनसे क्या लोगे कि सर एटलीस्ट अगर आपने 3 महीने का 4 महीने का टारगेट लो, 4 महीने के टारगेट में हम उनसे क्या कहेंगे, एटलीस्ट सर आपको 30 से 45 मिनट्स आपको वॉकिंग करनी है। ये कहां काम आ रहा है? क्योंकि तीन तरीके बताए। पहला तरीका, कैलोरीज बर्न करनी है। वो कैसे बर्न होगी? वो एक्सरसाइज से होंगी, या एटलीस्ट आधा घंटा एक घंटा आप सुबह के टाइम चलते हो, पहला। दूसरा, उसके बाद कैलोरीज का इंटेक कम करना है। कैलोरीज का इंटेक कैसे कम होगा? कि आपने अपने डाइट के ऊपर कंट्रोल किया, जिन चीजों में कैलोरीज ज्यादा होती हैं उन कैलोरीज उन चीजों को आपने कम कंज्यूम किया। रात के टाइम में जहां पर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है वहां पे उन चीजों को नहीं खाया, जहां पे हमारी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, दो। और तीसरे पार्ट में क्या हुआ कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएं, यानी जो भी हम खाएं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो, वो फैट में कन्वर्ट ना हो। तो ये तीन तरीके हैं, ये वाला मेरे हिसाब से है, और पता नहीं किस किस के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाली मेरी अपनी स्टडी के हिसाब से, मेरी अपनी एजुकेशन के हिसाब से है कि हम एक तो कैलोरीज को बर्न करें, इस तरह की एक्सरसाइजेस करें, इस तरह की एक्टिविटीज करें, दूसरा उसके बाद कैलोरीज का इंटेक कम करें, कैलोरीज का इंटेक कम होगा, और तीसरी बात जो होगी वो क्या होगी कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करें, क्योंकि जितना फास्ट हमारा मेटाबॉलिज्म होगा तो जिसके लिए आज ये सारे प्रोडक्ट हमारे काम करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें बेसिकली बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक दो चीजें और लिख लीजिए, फिर हम आगे जाके काम करेंगे। एक ये भी सिंपल फार्मूले हैं, क्योंकि आपको अंदाजा लगे कि लोग आपसे पूछेंगे बताओ कैसे होगा, कि क्या खाने से क्या होता है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, हम लोग डॉक्टर्स नहीं है, हम लोग डाइटिशियंस भी नहीं है, लेकिन हम लोग वेलनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आज हम सबके पास होनी चाहिए। ना मैं डॉक्टर हूं, ना आप लोग डॉक्टर हैं, ना मैं आपको डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ना वेस्टेज हमें डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें, जिसकी अवेयरनेस मैं आपको दे रहा हूं। आई एम जस्ट गिविंग द अवेयरनेस टू यू, आई एम गिविंग द इन्फॉर्मेशन टू यू। इसके बारे में स्टडी आप करना चाहते हो तो वो आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन जितनी मैं अवेयरनेस आपको दे रहा हूं इससे आपका काम बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप फायदा इसके लिए करा सकते हो। तो इसमें क्या, एक दो चीजें और लिख लीजिए। 1 ग्राम प्रोटीन, हमारी बॉडी को 3 चीजों की मेजर जरूरत है, वो क्या क्या है? प्रोटीन है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इन तीनों के बारे में 3 चीजें और लिख लीजिए, फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे। पहली चीज आगे की, 1 ग्राम प्रोटीन से आपको कितनी कैलोरीज मिलती हैं? 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं, 4 कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं अगेन, और 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। ये 3 चीजें और लिख लीजिए, बड़े काम आने वाला है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं, 4 कैलोरीज। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से अगेन हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं, और 1 ग्राम फैट से हम लोगों को 9 कैलोरीज मिलती हैं। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, यानी अब ये लिख लिया। अब इसके बाद एक चीज और लिखो, नोट करो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन कितना चाहिए, 2 ग्राम पर केजी हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है डेली। अवर बॉडी रिक्वायर्स 2 ग्राम पर केजी, यानी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है डेली की।
हमारी बॉडी को फैट की कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 ग्राम 1 kg के ऊपर, 1 ग्राम पर kg फैट इज रिक्वायर्ड। फैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट लेना। तो यहां पर एक मैंने आपको आइडियल कंडीशन बता दी है, ये वाली बेसिक सी इंफॉर्मेशन, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है कि आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाओ सर पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी कैलकुलेशन है, इससे आपको अंदाजा लगाने में बड़ा बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब आगे कि ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको, अगर आप वेलनेस के सेक्टर में हो, वेट लॉस के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन को एनहेंस करने के लिए आप उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप उनका सारा ले सकते हो। लेट्स स्टार्ट करते हैं कि अब ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ली है हाफ एन आवर के अंदर, इसका इंपैक्ट हमारी जो ये आने वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर क्या पड़ने वाला है, अब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वीस्लिम रेंज। तो सबसे पहली जो चीज हमारे पास आती है वो आते हैं वीस्लिम कैप्सूल्स, यानी वेट मैनेजमेंट सीरीज के अंदर हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं वीस्लिम रेंज में। 3 प्रोडक्ट हमारे पास है, वीस्लिम कैप्सूल, वीस्लिम टी और वीस्लिम शेक। हम इन तीनों की बात करेंगे, इसके बाद वेस्टिज के और कौन से प्रोडक्ट हैं जो इस सीरीज के अंदर काम करेंगे वो लिस्ट मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा, ताकि आप उन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके कॉम्बिनेशन बना सकें और लोगों को दे सकें जिससे उनको मैक्सिमम फायदा हो। तो पहली जो चीज आती है वो आते हैं वीस्लिम कैप्सूल्स। वीस्लिम कैप्सूल के अंदर चार, पहली बात, दूसरी बात, एक बात और आपको एड ऑन कर रहा हूं कि जो ये हम यहां पर बात करने वाले हैं ये कोई फैट कटर नहीं है, दीज आर नॉट द फैट कटर। कई लोग यहां समझते हैं केमिकल ये लोग दे रहे हैं कि फैट कटर दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, क्योंकि ये मार्केट बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, कहीं कुछ। तो यहां पर जो वेस्टिज बात कर रहा है, वेस्टिज कोई भी केमिकल आपको नहीं देता। तो इसी तरीके से हमारे जो ये कैप्सूल्स हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये पावरफुल हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी जो इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पे देने वाले हैं वो 100% हर्बल हैं, कोई केमिकल नहीं है। तो पहली चीज जो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स के अंदर आते हैं वो क्या आते हैं, ऑप्निशिया वल्गरिस, दूसरे गार्नेशिया कंबोजिया, और तीसरी चीज जो इसके अंदर आती है कोलेस फोर कोलाई, और तीसरी पेपरिन, फोर्थ वन इज द पेपरिन। अब ये सब चीजें क्या हैं, अब ये जो पार्ट हम यहाँ पे करने वाले, मैंने आपको यहाँ पे 3 तरीके बताए, पहला तो आपको अपना फैट बर्निंग करनी है यानी कैलोरीज का बर्न करना है, दूसरे पार्ट के अंदर हमने बोला कि कैलोरीज का इंटेक कम करना, और तीसरे पार्ट की अब बात आती है मेटाबॉलिज्म की। तो आज जो हमारे ये वाले प्रोडक्ट जो काम करने वाला है, ये जो प्रोडक्ट है ये आपके मेटाबॉलिज्म पे काम करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर किस तरीके से हमारा वेट अपने आप यहां से लूज होगा। अब सोचो कि जो पहली चीज है ऑप्शिया वल्गरिस, ये एक तरह के कैक्टस, एक तरह का ये वाला प्लांट होता है कैक्टस टाइप का। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या आती है, इसके अंदर क्या आता है, हेल्प ये आपके एक तो ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, और उसके बाद क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, और एपेटाइट को नेचुरली सप्रेस कर देता है। मतलब अब आपने कोई चीज खाई है, अब क्या होगा कि जब आपने खाना खा लिया, यानी कि आपने कैलोरीज बहुत कम ली, आपको उसके बाद भूख लगेगी, ये खाने की इच्छा होगी, वो खाने की इच्छा होगी, तो उस चीज को बोलते हैं क्रेविंग्स। यानी आपने डाइटिंग स्टार्ट कर दी, डाइटिंग स्टार्ट करते के साथ ही सब लोग आसपास खाना खा रहे हैं और आपका मन कर रहा है पराठे पूरी या समोसे मैं भी खाऊं, तो वो क्या क्रेविंग्स है, वो कहीं ना कहीं हार्मोनिकली आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। जब आप किसी चीज को देख रहे हो कहीं ना कहीं से वो जो आपका हार्मोनल इम्बेलेंस है वो हार्मोन्स अपने आप रिलीज होने स्टार्ट हो गया, मुंह के अंदर पानी आना अपने आप स्टार्ट हो गया, यानी बॉडी अपने आप कह रही इस चीज की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो उस चीज को बोलते हैं क्रेविंग्स। यानी जब हम किसी चीज को एकदम छोड़ देते हैं, तो यहां पर ये क्या करने वाला है ऑप्शिया वल्गरिस, ये कहीं ना कहीं आपकी जो देखो क्रेविंग्स होती है, खाने की तीव्र इच्छा होती है, उस चीज को दबाता है, अपने आप ही काम करने लग रहा मेंटेनेंस, उस चीज को अपने आप कंट्रोल करेगा, आपको क्रेविंग्स बहुत कम होंगी, आपकी जो भूख है कि आपके आपके ब्रेन को सिग्नल बार बार ये जा रहा है कि खाओ खाओ खाओ, ये कहीं ना कहीं उस चीज को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो दूसरी हर्ब इसके अंदर डाली है गार्निशिया कंबोजिया, गार्निशिया कंबोजिया करती क्या है कि ये कई तरह के एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में जो फैट सिंथेसाइज के अंदर काम आते हैं, यानी कि फैट को सिंथेसाइज करना है। खाना आपने खाया, खाना खाने के बाद या तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा या वो फैट में कन्वर्ट होगा, जो फैट में कन्वर्ट होता है उसको करने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये उन एंजाइम्स को ब्लॉक करता है, वो
उन एंजाइम्स को ब्लॉक करता है ताकि वो फैट में कन्वर्ट ना हो, फैट ज्यादा आपकी बॉडी में इकट्ठा ना हो, एक लिमिट से ज्यादा फैट ना हो। और ये उसके बाद आपकी इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करता है। इमोशनल ईटिंग वही आ गई कि बाहर कोई समोसे खा रहा और मैं उसके डाइट पर हूं, मैं बिल्कुल खाने के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ, कैलोरीज को कंट्रोल कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इमोशनल ईटिंग है। नहीं यार एक बार उसके चीटिंग कर लेता हूँ, एक बाइट लेने में क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे कितनी कैलोरीज बढ़ जाएंगी, अरे यार क्या होगा इससे। तो ऐसे जो थ्योरीज मिलने वाली हैं वो कहीं ना कहीं ये उस चीज को कंट्रोल अपने आप करेगा। और जो तीसरा पार्ट है वो जो अनयूज फैट है आपका उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जो इसका तीसरा इंग्रेडिएंट्स है, फोर्स को हाई। और जो उसके बाद पिपरिन है, पिपरिन लगातार जो आपकी जो जो बायोअवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट्स की है उसको बढ़ाएगा और आपके वेट मैनेजमेंट को और स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, जो आपके मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये जो पूरी सीरीज है, ये जो पूरा कैप्सूल है, ये आपके मेटाबॉलिज्म पे काम कर रहा है। कहीं ना कहीं खाने की जो तीव्र इच्छा होती है उस चीज को दबा रहा है, जो खाना खाने के बाद जो फैट में कन्वर्ट करते हैं एंजाइम्स, उन एंजाइम को कंट्रोल कर रहा है, इमोशनल ईटिंग को ये कंट्रोल कर रहा है। इसके इतने शानदार रिजल्ट्स हैं। अब देखो इसके अंदर वही सारी चीज आ गई कि सबसे पहली बात तो आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम कर रहा है, आपके कैलोरीज को ज्यादा बर्न कर रहा है यानी एनर्जी लेवल्स को बढ़ा रहा है, बिल्कुल नेचुरली आपकी भूख को मार रहा है, कोई केमिकल इसके अंदर नहीं। बार बार मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, कोई केमिकल इसमें नहीं है हार्मफुल। आपके स्टेमिना को और एंड्योरेंस को बढ़ा रहा लगातार और आपकी इम्यूनिटी को वीक नहीं होने दे रहा। यानी कि हम यहाँ पर वेट लॉस के अपने एम तक जाएंगे और साइंटिफिकली जाएंगे और उस तरीके से जाएंगे कि हमारी बॉडी में किसी तरह की कमजोरी ना हो, किसी तरह की वीकनेस ना, क्योंकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो तो है ना, उसे इस बात से मतलब नहीं है कि आपका वेट ज्यादा या कम है। आज जो बॉडी को एक सेल की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस सेल को पता है उसको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उतनी एनर्जी उस सेल को नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपकी बॉडी से अपने आप कम होने लगेगी, आप अपने आप ही थकते चले जाओगे। तो शरीर तो अपनी जरूरत पूरी करेगा लेकिन हम अपने स्वाद के चक्कर में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा इनटेक हम ले लेते हैं, जिससे ओबेसिटी या ये प्रॉब्लम आती है। देखो नेक्स्ट चलते हैं इसके इसके डोजेस क्या हैं। इसके डोजेस एक से दो कैप्सूल सुबह मॉर्निंग में लेने हैं यानी ब्रेकफास्ट से पहले। और एक चीज सबसे अच्छी चीज मैं इसमें ये कहूंगा कि अगर एक दिन में तीन मील आपने प्लान किए होते हैं, बिल्कुल ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच और उसके बाद रात को जब आप खाते हो डिनर, तो हरेक से पहले एक एक कैप्सूल आप ले सकते हो। यानी एक दिन में तीन कैप्सूल खाली पेट आप इसके ले सकते हो और जिनका वेट ज्यादा है वो चार भी ले सकते हैं और पांच भी ले सकते हैं, बस मतलब छह तक की लिमिट है, लेकिन हम यहाँ पे तीन ही बताएंगे कि वो स्पेशल कंडीशंस के अंदर, और बाकी इसके ऊपर इंडिकेशंस लिखे हैं उसी के हिसाब से हमें देना है। कि जब भी आप मील लेते हो, जब भी आप खाना खाते हो दिन में तीन बार, उससे आधा घंटा पहले आप इसको लेना है। तो उसके लेने से क्या फायदा होगा कि एक तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, उसके ऊपर क्रेविंग कम हो जाएगी, ज्यादा खाने की इच्छा कम करेगी, तो ये नेचुरली होने लगेगा ना अपने आप। और ये रेगुलर तीन से चार महीने लेने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहले पार्ट में हमने ये देख लिया कि इसके अंदर क्या डाला हुआ है, वो हर्ब्स क्या क्या काम कर रही हैं और उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। देखो नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं, विस्लिम शेक। अब विस्लिम शेक का क्या हुआ, अब सिंपल सी बात, मैंने दूसरे पार्ट उन कैलोरीज को कम करते हैं, चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो सारा पूरा मिलना चाहिए, यानी कमजोरी नहीं आनी चाहिए। वेट लॉस तो कर रहे हैं लेकिन कमजोरी नहीं आनी चाहिए, बार बार चक्कर नहीं आने चाहिए। लोग कहेंगे ये क्या हाल बना रखा है, जरा सा चलते के साथ ही थक जाते हो, ऐसा वेट लॉस का क्या फायदा। तो आज हम यहाँ पे सिंपल साइंस यहाँ पर यही लिखी हुई है कि इसके पीछे साइंस क्या है, वेट लॉस इज टू कंट्रोल कैलोरीज कंजम्पशन। मतलब सारा वेट लॉस किस बात के ऊपर है, वैसे जिसके ऊपर काम करते हैं कि वेट लॉस क्या है, कैलोरीज के ऊपर, कैलोरीज का कंट्रोल और कैलोरीज बर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं। बड़ा साइंटिफिकली डिजाइंड है पूरा प्रोग्राम कि जो ये शेक है, ये शेक आपको क्या करेगा, ये आपके कैलोरीज को कम कर देगा लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए वो सारे के सारे प्रोवाइड करेगा। दैट मींस वो काम ये है कि जितना प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को मिल जाएंगे, जो एक मील के अंदर
खाने के अंदर जो चीज होनी चाहिए थी वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात मैं इसे यहाँ पर ये कहूंगा कि ये कंप्लीट न्यूट्रिशन डाइट है आपकी, कंप्लीट न्यूट्रिशन डाइट है आपकी, पूरी बैलेंस डाइट है विदाउट ओवरलोडिंग, कोई दे सकते हो। और उसके वॉइस ब्रेक हो रही है मोहित सर, जो लोग अपने वेट को मेंटेन कर रहे हैं। यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। यस दीदी, सर वॉइस ब्रेक हो रहा है नहीं बीच बीच में, शायद नेटवर्क का इशू। जी 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 ओके। तो जो लोग वेट को मेंटेन भी कर रहे हैं तो करते हैं, उन्हीं को इसकी जरूरत है, जिनकी अच्छी खासी हेल्थ है वो अपने हेल्थ को मेंटेन करना का। सर वॉइस नहीं आ रही है सर, आपकी वीडियो भी पॉज हो गई है। ओके हेलो, ये सब ठीक आ रही है निधि? यस सर अभी आ रही है, अभी आ रही है, नेट तो मेरा ठीक आ रहा है। लेकिन सर आप जब बात कर रहे हैं तो वापस ब्रेक होने लग रही है, करते हैं वो कई बार सिग्नल्स का हो जाता है। प्रोटीन्स और फाइबर्स को इसके अंदर ब्लेंड किया हुआ है, यानी हमारी बॉडी को फाइबर्स की भी रिक्वायरमेंट है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर कितना कितना क्या यहाँ देख सकते हो कि 30 ग्राम का स्कूप है, एक आपकी एक मील है, ये आपको 200 ग्राम यानी 200 ml स्किम्ड मिल्क के अंदर, टोन्ड मिल्क जो होता है उसके अंदर आपको ये डालना है। कोई चीज इसमें ऐड नहीं करनी, शुगर ऐड नहीं करनी, कुछ ऐड नहीं करना है। और उससे आपको क्या मिलने वाला है, 104 कैलोरीज इसके अंदर, किलो कैलोरीज आपको मिलने वाली है। प्रोटीन कितना है, 9.78 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है, फाइबर 4 ग्राम मिलने वाला है, क्योंकि बॉडी से जो एसिमिलेशन होता है, जो एक्सक्रीशन होता है, उसके लिए फाइबर्स की बड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा 22 एसेंशियल विटामिंस एंड मिनरल्स वो इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये एक अपने आप में कंप्लीट डाइट है। अब इसका यूज कहां कहां हो गया कि जो लोग वेट लॉस के ऊपर काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जो लोग अपने वेट को मेंटेन कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं, चाहे वो कैप्सूल ना ले, लेकिन जो अपने वेट को मेंटेन कर रहे हैं, कहें हम तो एक ही टाइम खाना खाते हैं या शाम को ही खाना खाते हैं, बड़ा हल्का खाना खाते हैं, आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो, सर आप इसको भी ले सकते हो, एक दो महीने आप इसको लो और आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका वेट मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये कंप्लीट एक डाइट है। इसको लोग, बहुत सारे लोग इस बात को पूछेंगे सर कैसे लेना है शाम को, जब भी एक हैवी मील जब आप लेते हो तो मोस्टली हम लोग रिकमेंड करते हैं शाम को 7 बजे तक, 7 से 8 के बीच में आप इसको ले लें, उसके बाद कुछ ना खाएं, क्योंकि ये कंप्लीट आपकी डाइट हो गई है, एक कंप्लीट मील आपको मिल गया है, बाकी और जो चीजें करनी है उससे पहले करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक सर्विंग आपको यहां समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसके क्या क्या इसके बेनिफिट होंगे, एक तो आपके आपके बॉडी वेट को मेंटेन करके रखेगा, उसके बाद एक उसके बाद जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज है उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कराएगा। आप ज्यादा टाइम तक ये महसूस करोगे पेट आपका फुल है, आपके गट को ठीक रखेगा, गट यानी कि छोटी आंत बड़ी आंत जो जो अंदर गुड जो इसके बाद बैक्टीरिया है उसको भी ये कंट्रोल रखेगा, और तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स लगातार जाते रहेंगे, या आपकी बॉडी में कमजोरी महसूस नहीं होगी। बड़ा शानदार प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल 30 ग्राम आपको मिक्स करना है, मैंगो फ्लेवर के अंदर ही आता है, और एक कंप्लीट डाइट आपको मिल जाती है। तो नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है विस्लिम टी, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि दो प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी इसके बाद हम एक डाइट चार्ट भी देखेंगे, वहां से भी समझेंगे किस तरीके से हमें करना है। तो ये जो तीसरा प्रोडक्ट हमारा विस्लिम टी, ये लो कैलोरी ड्रिंक है, और ये अल्टरनेट है टी और कॉफी का, या जो भी कोई चीज आप पीते हो टी और कॉफी ये उसका अल्टरनेट है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, बीन्स और गार्नेशिया कंबोजिया उसके एक्सट्रैक्ट हैं इसके अंदर, और बहुत शानदार फ्लेवर है इसका, लेमन का फ्लेवर है इसके अंदर, लेमन हनी का, वैसे ही पीने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये वही चीजें इसके अंदर आई, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर आ गया, ग्रीन कॉफी आ गई, उसके बाद गार्नेशिया कंबोजिया वो हर्ब है उसके भी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाले गए इसके फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए। तीनों चीजें इसके अंदर हैं जिनके बारे में हमने बात की। ग्रीन टी के बारे में आपको पता ही है ये किस तरह के, कि एक आपकी जो एक एजिंग फैक्टर है यानी एंटीऑक्सीडेंट से ऑलरेडी भरा हुआ है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, स्ट्रेस से आपको रिलीफ करता है, यानी मेंटल अलर्टनेस जो है यानी सॉरी दिमागी रूप से आपको सक्रिय बनाता है। फिर गार्नेशिया कंबोजिया दोबारा वही की जो एंजाइम्स है जो फैट बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको ये ब्लॉक करता है,
और इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करता है, और इसके बाद ग्रीन कॉफी इसके अंदर है, हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है कि आपके भूख को कंट्रोल करेंगे, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाएंगे और फैट बर्निंग को प्रमोट करेंगे, और जो फैट का जो बॉडी में प्रोडक्शन होता है उसको एक कंट्रोल करेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसके फायदे क्या है कि एक तो देखो वही बात सारी आ गई घूम फिर के लास्ट में वही आ रहा है ना, हेल्प इन मेंटेनिंग द मेटाबॉलिज्म, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया जा रहा है, बार बार आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, आपको मना किया जा रहा है कि जो आप दूसरे ड्रिंक्स भी तो कैफीन जिसके अंदर होते हैं, स्वीटनर यानी चीनी कितनी ज्यादा होती है उसको रोका जा रहा है, आपके फैट को बर्न कर रहा है नेचुरली बिल्कुल एज ए हर्बल, क्योंकि कोई भी केमिकल इसके अंदर नहीं, आपकी आपकी बॉडी को एनर्जेटिक बना के रखेगा, आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। तो इसके बाद जो इसके डोजेज हैं 5 ग्राम के करीब आपको हॉट वाटर के अंदर या फिर बिल्कुल ठंडे पानी में डाल के आपको इसको डालना है और एंजॉय करना है लेमन के साथ, जैसे भी आप कर सकते हो, बाकी लेमन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि इसका फ्लेवर ही इतना अच्छा है। ये इसकी कॉस्टिंग आ गई है 20 स्लिम शेक 20 स्लिम कैप्सूल्स का। अब बात आती है ये कि बिल्कुल कि ये तो सर ये तीनों चीजें पढ़ ली, अब इसके बाद वेस्टिज के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर मैं अगले 20 मिनट आपसे बात करने वाला हूँ। अब जरा पेन और डायरी अपने पास रख लीजिए क्योंकि कई सारी चीज आपको लिखनी पड़ेंगी। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं हमारे पास वेस्टिज के अंदर जो हम यूज करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास वो हमने यहाँ लिख लिए हैं, कौन कौन से हैं, 20 स्लिम कैप्सूल्स, 20 स्लिम शेक और 20 स्लिम टी। ये तो 3 बेसिक प्रोडक्ट हैं जो 20 स्लिम रेंज के अंदर आते हैं। इसके अलावा और कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो अपने लोगों को सजेस्ट करेंगे कि जिनका इफेक्ट बड़ा शानदार आता है, वो आते हैं एक्सट्रैक्ट वी और एक्सट्रैक्ट एफ। यानी एक्सट्रैक्ट वी यानी कि जो उसके जो हमारे पास सब्जियां हैं उनका जो उसका पाउडर आता है अगर कहीं पर अवेलेबल है तो वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद 4th प्रोडक्ट हमारे पास आता है हमारा ब्रेकफास्ट जो हम यूज कर दें, वो ब्रेकफास्ट आपको यहाँ यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यूज करना है फाइबर, आपको यूज करना है फाइबर। उसके बाद फ्लैक्स सीड के हमारे कैप्सूल्स, ये सारे कॉम्बिनेशन आएंगे क्योंकि इसके साथ साथ हमें बाकी चीजें भी देनी है। कई लोग आपसे कहेंगे कि सर एक बार डाइट प्लान बता के आप हमें बता दो कि किस तरीके से यूज करना है। जो बाकी के हमारे 4-5 प्रोडक्ट हैं वो भी इसमें हमें यूज करना है। वो कौन कौन से प्रोडक्ट हो गए, एक्सट्रैक्ट वी अगर वहां पर अवेलेबल है तो, क्योंकि ऐसा भी है कई जगह पर अवेलेबल नहीं, जहां नहीं है कोई बात नहीं छोड़ दो। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट एनर्वा ब्रेकफास्ट। तीसरी चीज के अंदर क्या हो गई कि उसके बाद फ्लैक्स सीड के हमारे कैप्सूल्स, वो भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। स्प्रेलुना वो भी बड़ा अच्छा काम करती है वेट लॉस के अंदर। नेक्स्ट हमने क्या यहां पर बात की, यानी फाइबर जो कि हम कॉन्स्टिपेशन के लिए देते थे वो वेट लॉस, क्योंकि मैंने उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी थी जब भी मैंने बोला था ये वेट लॉस में भी काम होती है, काम करती है। तो आज हमारे पास करीब 7 से 8 प्रोडक्ट हैं जो वेट लॉस मैनेजमेंट में काम आते हैं, क्योंकि सारी को हम क्या बोलते हैं, वेट लॉस मैनेजमेंट। अब किस तरीके से यूज कर रहे हैं, एक बार ये वाले स्लाइड प्लान है, ये बेसिक प्लान है, आप उसके हिसाब से भी आप अपने आप यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज है, बेसिक चीज, वो यही कहना है कि 3 तरीके से वेट लॉस होता है, वो बार बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। पहला तो आपको जो कैलोरीज है उनको बर्न करना है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैलोरीज को बर्न करना है। बर्न करने के लिए 30 से 45 मिनट्स आपको वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइजेस करनी है। अगर एक्सरसाइज हार्ड एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट वॉकिंग तो आपको करनी ही करनी है। तो ये पहला एस्पेक्ट आ गया कि आपने वेट के लिए आपने कैलोरीज बर्न किया। दूसरा एस्पेक्ट में क्या आया कि जो हमने एक टारगेटेड चूज किया है कि भाई मेरे को जो कैलोरीज लेनी है वो 2000 कैलोरीज लेनी है, 1500 कैलोरीज लेनी है, तो कैलोरीज का इंटेक कम किया। तीसरे पार्ट के अंदर हमने अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया, जिसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट हमारे काम कर रहे हैं कि जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देंगे। तो हम इस तरीके से अपने एम को, नेक्स्ट आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है, 1 से 2 कैप्सूल लेने हैं 20 स्लिम के। इसके साथ में आप अपना उसके फ्लैक्स ऑयल भी आप यहाँ साथ में ले सकते हो, बिल्कुल गर्म पानी के साथ में। उसके बाद गर्म पानी लोग सुबह उठ के पीते हैं, वो भी आप पी सकते हो। इसके अलावा जो आप करते हो कि आप साथ में आंवला भी ले रहे हो,
कोई एलोवेरा भी ले रहे हो वो भी साथ में ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग इसी बात में पूछेंगे सर हम तो वो ले रहे हैं, जो ले रहे हो लेते रहो, उसके अलावा ये भी ऐड कर लो जो स्पेशली इस एम के साथ चल रहे हैं, एक से दो कैप्सूल। तो हमने मैंने नॉर्मली आपको यही बताया कि जब भी मिला है, या अगर आप सुबह नहीं ले पा रहे हो, जब भी आप यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करोगे, ब्रेकफास्ट करने से आधा घंटा पहले आप ले सकते हो। तो बहुत सारे तरीके ये आपको डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वेट लॉस की बात करेंगे, वेट लॉस एकदम जादू मंत्र की तरह नहीं होने वाला, इट्स नॉट ए मैजिक। आपको रिग्रेसली उनके साथ लगना पड़ेगा कि आपने जिसको भी सीरीज दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कॉस्टिंग भी अवेलेबल है, बहुत अच्छा बिजनेस भी आपको देके जा रही है कि जो लोग अपने वेट को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हैं, जिनका ओवर वेट है, अगर आपने 4 महीने का 5 महीने का टारगेट लिया है या आप उनका 8 से 10 किलो वेट उनका बिल्कुल कम कराएंगे, तो आपको उनके साथ वर्कआउट करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि एक बार उनको बता दिया खत्म, नो सॉरी, आपको उनके लगातार टच में रहना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पर ये प्रोडक्ट बता देने से ही काम नहीं होगा। ज्यादातर हमारे लोग यही करते हैं कि सर यहाँ से सुना, वो फॉरवर्ड कर दिया कि इसको पढ़ लो, इसको लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आधे केसेस के अंदर 90% केसेस में खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि अब सामने वाला कुछ आपसे पूछेगा आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप इस वाले बिजनेस में हो तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को भी जानना पड़ेगा और आपको उसके लग के काम करना पड़ेगा। वीकली आपको उसका आपसे पूछना पड़ेगा अब कितना वेट हो गया, अब कितना वेट हो गया है। पर किसी से अगर आप 8-10 हज़ार रुपये का सामान आप उसका लगातार कंज्यूम करा रहे हो, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वो तो फेथ के ऊपर है कि उसको अपना वेट कम करना है। कितने लोगों ने उसको धोखा दिया होगा, इजीली वो ट्रस्ट नहीं करेगा। एक ट्रस्ट अपना बिल्डअप करने के लिए हमें ये सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। उसके बाद ब्रेकफास्ट की बारी आती है। ब्रेकफास्ट के अंदर जो मैंने आपको अपना ब्रेकफास्ट बताया, एक गिलास दूध के अंदर आपको वो लेना है, या फिर आप ओट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हो, या यहाँ पर बेसन का चीला भी आप ले सकते हो, कोई वेजिटेबल दलिया भी आप ले सकते हो, 2-3 भी ढोकला भी ले सकते हो, कितनी सारी चीजें ऑप्शन दे रखे हैं ना। तो पूरे वीक का आप यहाँ पर एक चार्ट बना सकते हो। उसके बाद ब्राउन ब्रेड्स के यहाँ पे सैंडविचेस भी आप दे सकते हो। तो कितने अच्छे तरीके से डिजाइंड है ये, आप उनका वीकली चार्ट बैठ के बना सकते हो कि चलो दोनों मिलके काम करते हैं, 4 महीने तक हम काम करेंगे, उसके लिए वीकली हमारा ये रहेगा, इसी को हम लोग आगे जाकर चेंज करें कभी। तो ये पहला पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट के अंदर क्या हुआ, ये जो आपका ब्रेकफास्ट है ये 9 बजे तक हो जाना चाहिए, 8 से 9 बजे के बीच में, क्योंकि टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो कैलोरीज का बर्न होगा वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लोग यहाँ इस बात को भूल जाते हैं कि नाश्ता कर रहे हैं कि जी 11 बजे 12 बजे ब्रंच हो गया वो तो, लेकिन जो लोग स्पेशली वेट लॉस के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको रिस्ट्रिक्ट आपको करना पड़ेगा कि आपको 8 से 9 के बीच में सुबह मॉर्निंग में आपको अपना ब्रेकफास्ट ले लेना है। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन आएगा मिड मॉर्निंग स्नैक, इसके अंदर आप स्प्राउट, एक बाउल स्प्राउट्स आप ले लो, भेल खा सकते हो, कोई बादाम यहाँ पे आप, या फिर वॉलनट्स के साथ आप ले सकते हो, प्रोटीन बार अपना जो एक ऑप्शन है, जो अभी एक नया प्रोडक्ट आया वो ले सकते हो। और उसके बाद एक प्रोडक्ट और है हमारा यहाँ पर जो काम करता है, वो कहता है 1 स्पून हम जो हमारा प्रोटीन पाउडर है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगेन एक प्रोडक्ट और बढ़ गया, एक पानी के अंदर 1 स्कूप हम अपना प्रोटीन पाउडर भी दे सकते हैं। उसके बाद लेमिनेट्स भी हम यहाँ पे, वो भी स्टीविया के साथ, क्योंकि जिस पूरी सीरीज में स्टीविया यूज होगा, चीनी यूज नहीं होगी, शुगर यूज नहीं होगी, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, स्टीविया। फिर यहाँ पे हम डाइटरी फाइबर भी दे सकते हैं और वी स्लिम टी भी ले सकते हैं। कितने सारे ऑप्शन दे दिए आपको यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद लंच की बारी आती है, 1 से 2 रोटियां लेनी है, वेजिटेबल साथ में लेना है। उसके बाद यहाँ देखो कर्ड, सैलेड, सारी चीजें हैं, या फिर इडली सांभर है, रोस्टी, या पनीर दे दिया सॉटे विद द वेजिटेबल्स, चिकन जो लोग ले सकते हैं वो, कितने सारे ऑप्शन है यहाँ पर। तो उस ढंग से आप यहाँ पे भी कोई लंच प्लान कर सकते हो। फिर टी टाइम में हम 20 लीफ टी यहाँ पे दे दें, वो अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन में एक्सट्रैक्ट FV हम यहाँ पे दे सकते हैं फ्रूट्स का, जीटा टी भी दे सकते हैं, ब्लैक जीटा टी। उसके बाद यहाँ पर और चीजें भी, पपाया है वो खा सकते हैं, रोस्टेड चना खा सकते हो, होल ग्रेन्स खा सकते हो अनसॉल्टेड। कितने ऑप्शंस यहाँ पे अगेन दे दिए, यानी कि ये ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप किसी का भी चार्ट बना सको। नेक्स्ट उसके बाद डिनर की बारी आती है। देखो आप यहाँ पर बिल्कुल खत्म कर दी सारी चीजें कि 1 से 2 बजे के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए और 4 से 5 बजे के बीच में ये क्या रखा है, टी टाइम रखा है 4 to 5। और नेक्स्ट उसके बाद डिनर के अंदर हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, सिर्फ 1 गिलास दूध में 20 स्लिम शेक और कुछ नहीं, खत्म, फिनिश। यानी कि जो टारगेट था हमारा
वो यहाँ पर जाके पूरा, और डेली का ये रूटीन रहेगा। फिर पोस्ट डिनर उसके बाद एक कप रात को सोते टाइम आप यहाँ पे कुछ गर्म पानी भी पी सकते हो। इस गर्म पानी के अंदर दो लौंग भी आप डाल सकते हो, दालचीनी यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी डाल सकते हो, उस पानी को पी के आप सो सकते हो, क्योंकि ये चीजें भी ऐड हो जाएंगी। फिर उसके बाद मॉर्निंग का यहाँ पे दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक चार्ट के थ्रू आप कितनी सारी चीजें कॉम्बाइन यहाँ पे कॉम्बिनेशन से कितने सारे प्रोडक्ट आप दे सकते हो, कितने अच्छे रिजल्ट्स आप यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद वेट लॉस टिप की लगातार आपको यहाँ पानी लगातार पीना है, 3 से 4 लीटर पानी यानी 8 से 10 ग्लास पानी आपको लगातार पीना है सबसे ज्यादा। उसके बाद रिफाइंड चीजों को कंट्रोल करना है यानी ब्रेड पास्ता ऐसी चीजें जो है व्हाइट उनको कंट्रोल करना है, चीनी यूज नहीं करनी, उसकी जगह पर हमें क्या यूज करना है, स्टीविया यूज करना है। और स्मॉल पोर्शन ऑफ द मील, देखो स्टार्टिंग जब करोगे स्मॉल पोर्शन ऑफ द मील्स आपको लेने, छोटे छोटे मील्स लेने हैं। उसके बाद आपको जब भी अगर कभी ऐसी बीच में भूख भी लगती है तो कई सारी चीजें ऐसी आप ले सकते हो जिसके अंदर कैलोरीज नहीं है, क्योंकि कैलोरी काउंट ही तो कम करना है, और फाइबर ज्यादा हो यानी फ्रूट ज्यादा हो वो फ्रूट हम बीच में ले सकते हैं। और ये प्रोसेस फूड को तो बिल्कुल यहाँ पे वो है मना कि जूस भी अगर आपको पीना है तो वो प्रोसेस वो स्वीटनर वाले जूस नहीं पियोगे, रॉ जूस पियोगे। अब इसमें मुझे कुछ चीजें आपके साथ शेयर यहाँ पे ये करने की, आज तो हमने जो बेसिक यहाँ पे जो काम किया वो ये किया कि हमने आज अपने अप्रोच को समझा किस तरीके से हम वेट मैनेजमेंट 3 तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हमें उसके बाद डाइट प्लान को यहाँ पे अपना बनाना है। हर किसी के लिए ये चीज कस्टमाइज्ड है, ये जो चीजें लिखी हुई हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, उनके बॉडी वेट के हिसाब से उनकी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से वेरी कर सकती हैं। लेकिन आज जो हमने इन्फॉर्मेशन ली इट्स अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप इसके ऊपर और ज्यादा स्टडी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो और चीजें यहाँ से सीख सकते हो। इज अ वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आज मैंने आपको दी है, कहीं ना कहीं एक इंट्रोडक्शन आपका वेट मैनेजमेंट के अंदर हो गया है कि आप अपने तरीके से भी अपने एक्सपेरिमेंट भी अपने हिसाब से जो चीज सेफ हो वो कर सकते हो, किसी के जीवन से खिलवाड़ ना करें, कोई भी उसको ऐसी उल्टी सीधी चीज सजेस्ट ना करें। आज जो ये मैंने आपको चीजें शेयर की ये कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है, वो मैंने चीजें आपके साथ शेयर की है। तो इसके साथ ही ये सीरीज हमारी यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच आप लोगों का।